बागेश्वर बाबा। फ्रेंड्स, आप सभी को बागेश्वर बाबा की शोभा यात्रा में भोपाल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 26 सितंबर 2023 है और आज बागेश्वर महाराज जी का भोपाल में शुभ आगमन हुआ है। बागेश्वर बाबा अभी शाम के 7 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज भोपाल में बागेश्वर महाराज जी का शोभा यात्रा निकल रहा है। आज 26 सितंबर है, 26 सितंबर 2023 भूमि पे बागेश्वर महाराज जी का शुभ आगमन हुआ है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और समय तो ऐसे दोपहर में 3 बजे का ही दिया हुआ था, लेकिन बागेश्वर महाराज जी शाम के 7 बजे पहुँचे अन्ना चौराहा से शोभा यात्रा निकली। आज इस शोभा यात्रा में लगभग 15 से 20 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे बागेश्वर महाराज जी। 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा है और मेरे ख्याल से रात के 10-10:30 बज सकते हैं शोभा यात्रा में। और अभी जहाँ भी बागेश्वर बाबा पहुँचे हैं, अभी वहीं पे अपने रथ में सवार हुए हैं और जितने भी उनके भक्तजन हैं, लाख दर्शन हुए हैं। आज जो यहाँ पर हवा चल रही है, ये राज्य की गंगा जो आपने गुरुदेव बहाई है, यहाँ का एक जन आज अपने राम को पाकर हर्षित है, प्रफुल्लित है। और भोपाल सरकार में मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री भी शामिल है इस समारोह में, भव्य शोभा यात्रा में। यहाँ पे दर्शकों की भीड़ लाखों की संख्या में है और सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। बाबा बागेश्वर महाराज जी का आज भोपाल की पृष्ठभूमि पर, भोपाल की धरती पर शुभ आगमन हुआ है। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और पूरा भोपाल जगमग हो गया है। सभी लोग अपने अपने घरों से निकल करके सड़क पर आ गए हैं। सभी के हाथों में फूल, सभी लोग एक झलक पाने के लिए बाबा महाराज जी का जो बेताब है, जितने भी हमारे माताएं बहने हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हुए बच्चे बूढ़े नौजवान, सभी के सभी पूरा भोपाल है तो फूट करके भोपाल आ गया है इस सड़क पर। और अभी जैसे ही यहाँ से शोभा यात्रा की है, सभी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और जैसे ही यहाँ से भी आगे बढ़ती है, आप वीडियो बने रहिए, आपको पूरा भोपाल नज़र आ जाएगा। आप देखेंगे कि पूरा भोपाल उठ करके अब आ गया है बाबा बागेश्वर जी के, महाराज जी के चरण में। आप देखेंगे आगे वीडियो में कि कैसा भोपाल है, भोपाल के लोग कैसे हैं, आस्था में लोग कितना भरोसा रखते हैं, आस्था में लोग कितना विश्वास रखते हैं। और बागेश्वर महाराज जी का आगमन हो गया है और इधर भक्त लोगों के आने की खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी लोग, बच्चे बच्चियाँ सभी लोग खुशी से नाच रहे हैं। फ्रेंड्स, बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम तो भोपाल में 14-15-16 तारीख को था, लेकिन उस डेट को कैंसिल किया गया और कैंसिल करने के बाद बागेश्वर महाराज जी ही इस तारीख को तय किए थे, फिक्स किए थे कि 26-27-28 को हम भोपाल में रहेंगे और 26 तारीख को आज शोभा यात्रा निकाली गई और भव्य शोभा यात्रा। सभी लोग का आगमन हो गया है, आरती उतारा जा रहा है, एक तरफ भक्तजन नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बहुत जबरदस्त शोभा यात्रा है। अभी आप वीडियो में देखिएगा आगे भोपाल पूरा भोपाल कैसे करके सत्य अपने घरों से निकल करके बाबा बागेश्वर महाराज जी के चरण में आने की झलक पाने के लिए बेटा सभी के हाथों में फूल, सभी के हाथों में फूल, बच्चे महिलाएँ भगवान सभी लोग एक झलक पाने के लिए, सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए पूरे भोपाल की सड़क आज खुशबू से महक रही है, पूरे फूल को
खुशबू से महक रही है। पूरे भोपाल की सड़क आप आगे चलकर देखेंगे, पूरे सड़क पे भोपाल की सड़क को बिछा दिया गया गुलाब गेंदा का फूल, गेंदा का फूल और गुलाब पूरा भोपाल को बौछार कर दिया गया। भक्तजन अभी यहाँ से निकलने की तैयारी में है, बाबा आ गए हैं और यात्री उतारे जा रही है। वहाँ पे सिक्योरिटी काफी चुस्त दुरुस्त है, भोपाल प्रशासन भोपाल पुलिस काफी संख्या में है, ऊपर की संख्या में भोपाल प्रशासन लगी हुई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। वैसे भी घटना नहीं होगा कि बाबा बागेश्वर महाराज का जो आज शोभा यात्रा है जुलूस है और सभी को जगाने का ये देखो सभी लोग जिसके हाथों में जो मिला उसी से खुशी जाहिर करते हुए जबरदस्त कार्यक्रम जबरदस्त शोभा यात्रा भव्य शोभा यात्रा भव्य शोभा यात्रा भोपाल में बाबा बागेश्वर जी का कार्यक्रम आज 26 तारीख है। आज अभी शोभा यात्रा निकल रही है और इसके बाद 27 को और 28 तारीख को यहाँ पे 27 तारीख को हनुमंत कथा होगा और 28 तारीख को नदी पे दरबार लगेगा। मुझे इसके नाम बुलाया जाएगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उनका पर्ची निकाला जाएगा, उनके बारे में समाधान बता देंगे बाबा कि बाबा के चरण में हाजिरी लगा देना बहुत बड़ी बात होती है। तो जिसने भी हाजिरी लगाया धन्य हो गया, प्रभु बागेश्वर महाराज का नाम से ही धन्य हो गया। और सभी लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जिसे जहाँ जगह मिल रहा है वहीं बैठे हैं और अभी निकलती है जुलूस। और आज पूरा भोपाल पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी जितनी भी सड़क है वो सभी सड़क मुख्य सड़क कुछ है तकरीबन 18-15 से 20 किलोमीटर का लंबा सफर है और ये तय करेंगे शोभा यात्रा में बाबा बागेश्वर महाराज जी। और आज पूरे भोपाल की सड़क महक रही है।